तो कैसे हो आप सब दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आ गए हैं FND PA200 पार्टी स्पीकर का डिटेल पे ऑडियो टेस्ट। दोस्तों इससे पहले पार्ट में हमने इस मॉडल की आपको डिटेल पे अनबॉक्सिंग वीडियो दे दी है। अगर आपने अनबॉक्सिंग वीडियो नहीं देखा होगा तो डिस्क्रिप्शन में मैं अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक दे दूंगा, जाकर आप देख लीजिएगा। दोस्तों आज हम इस मॉडल का काफी डिटेल पे ऑडियो टेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसे इंडोर पे टेस्ट करेंगे, इसकी बेस क्वालिटी टेस्ट करेंगे एंड इसके बाद दोस्तों इसको आउटडोर में भी टेस्ट करेंगे एंड देखेंगे कि यार परफॉर्मेंस कितना बढ़िया हमें मिलता है। जैसा कि अभी इसका करंट प्राइस चल रहा है 15,000 रुपीस, सो क्या 15,000 के हिसाब से ये बढ़िया ऑप्शन है या नहीं है, ये चीज आपको आज पता लग जाएगा। अगर आपको ये स्पीकर को परचेस करना होगा तो डेफिनेटली आप पीसी मीडिया से परचेस कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं पीसी मीडिया का कॉन्टेक्ट नंबर दे दूंगा। दोस्तों स्पीकर की पीक पावर है 160 वॉट की एंड इसकी RMS वैल्यू है 80 वॉट की। सामने की तरफ से हमें 2 सबवूफर मिल जाते हैं जो कि है 5.25 इंच के एंड हमें 2 ट्यूटर भी मिल जाते हैं जो कि है 2.2 इंच के। अगर दोस्तों मैं कनेक्टिविटी की बात करूं तो इस पर हमें ब्लूटूथ, USB, AUX, FM ये सब की कनेक्टिविटी मिल जाती है। दोस्तों हमें वायरलेस माइक बॉक्स के अंदर मिल जाता है एंड हम इस पर वायर्ड वाले माइक को भी कनेक्ट कर पाएंगे, साथ में दोस्तों हम इस पर गिटार को भी कनेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए यार सबसे पहले हम इसकी इंडोर पे टेस्टिंग देखते हैं एंड देखते हैं कि यार परफॉर्मेंस इंडोर में कितना बढ़िया हमें मिलता है। बाकी अगर आपको इसका हिंदी पे साउंड टेस्ट देखना होगा तो जरूर से आप हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं इंस्टाग्राम की ID का लिंक दे दूंगा। तो चलिए अपने हेडफोन्स का यूज करिए एंड इसके साउंड टेस्ट को हम स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यार हमने इसका काफी डिटेल पे ऑडियो टेस्ट कर दिया है एंड थोड़ा रिस्क भी उठाया क्योंकि हमने कॉपीराइटेड म्यूजिक प्ले करे हैं। आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार आप लोगों को ऑडियो क्वालिटी इसकी कैसी लगी है। मतलब आपने तो वीडियो को हेडफोन्स के साथ देखा होगा, मतलब कि सुना होंगे साउंड टेस्ट इसके। दोस्तों मैंने जितना एक्सपीरियंस करा ना, क्योंकि मैं इसे बहुत लंबे टाइम से यूज कर रहा हूँ, हमने इसका बर्निंग पीरियड पूरा कंप्लीट कर दिया है, साउंड क्वालिटी वन ऑफ द बेस्ट है इसकी। मतलब कि अगर आपका 15,000 तक का बजट है एंड आपको डीप बेस वाला पार्टी स्पीकर चाहिए तो ये स्पीकर आपके लिए बना है। मतलब कि दोस्तों इस प्राइस रेंज में इतना डीप बेस हमें और कोई भी ब्रांड के पार्टी स्पीकर पर नहीं मिलता है, तो ये चीज मुझे इसकी काफी बढ़िया लगी है। साथ में दोस्तों लाउडनेस भी हमें डिसेंट मिल जाती है। मतलब मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि यार बहुत ही जबरदस्त लाउडनेस हमें मिलती है, ऐसा नहीं है। लाउडनेस इसकी डिसेंट है, जैसे कि JBL पार्टी बॉक्स 110 पर हमें मिलती है उसी तरीके की लाउडनेस दे रही की है। साथ में अगर मैं क्लियरिटी की बात करूं तो क्लियरिटी हमें काफी बढ़िया मिल जाती है। मतलब कि फुल वॉल्यूम पर आपको क्लियरिटी में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। होता है ना कि यार लाउडनेस काफी ज्यादा हो रही है, डिस्टॉर्शन फील हो रहा है, बेस ओवरपावर्ड हो रहा है, ऐसा नहीं है इसमें। अगर आप इसे मैक्स वॉल्यूम पर भी प्ले करेंगे तो आपको क्लियरिटी काफी अच्छी मिलने वाली है। मतलब कि मिड्स एंड हाइज में आपको बढ़िया कॉम्बिनेशन ये पार्टी स्पीकर डिलीवर करवा देगा। सो मेरा फुल एंड फाइनल आंसर यही है, इंडोर के लिए ये पार्टी स्पीकर बढ़िया है, आप आंख बंद करके परचेस कर सकते हैं। चलिए दोस्तों अब इसका बेस भी टेस्ट कर ही लेते हैं। जब मैं बेस की इतनी बात कर रहा हूं तो देख लेते हैं कि यार बेस कितना बढ़िया है, आप लोगों को दिखा देते हैं टेस्ट करके। इसको क्या है कि अभी हम कॉम्पैक्ट एरिया में रखेंगे तब मजा आएगा एंड इसके मेगा बेस को हम ऑन कर देंगे। वैसे बेस एंड ट्रेबल कंट्रोल्स भी हमें मिलते हैं सो हम इन्हें भी फुल कर देंगे। तो चलिए बेस टेस्ट को स्टार्ट करते हैं।
दोस्तों हमने इसका बेस भी डिटेल पे टेस्ट करवा दिया है, आप लोग कमेंट करके बताएगा यार जो चीज मैं बोल रहा हूँ वो चीज है या नहीं है। मतलब कि डीपनेस जो है ना इस मॉडल पर वो काफी तगड़ी हमें मिल जाती है। स्पेशली दोस्तों ये ऐसा पार्ट स्पीकर है जिनका बजट कम है एंड जिनको लोअर बेस काफी ज्यादा पसंद है, उन लोगों के लिए काफी बेस्ट होने वाला है। मतलब कि 15,000 रुपए अगर आप खर्च करेंगे ना तो आपके पैसे पूरे वसूल है, वहां पर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यार मैंने पैसे ज्यादा खर्च कर दिए। बेस क्वालिटी तो इसकी सबसे बेस्ट है, मतलब कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ उन सब में से जो मुझे सबसे बेस्ट लगी है पर्सनली वो इसकी बेस क्वालिटी लगी है। एंड इस साल मैं सोचूंगा दोस्तों इस मॉडल पे अपग्रेड करने की। आप सबको बताया मैं P100 यूज करता हूं, सो वो मॉडल भी बढ़िया है बट यार इसके सामने वो बहुत वीका है। बेस क्वालिटी इसकी बहुत ही जबरदस्त हमें मिल जाती है। सो ओवरऑल दोस्तों बेस क्वालिटी के लिए भी अच्छा है, इंडोर के लिए भी ये मॉडल काफी बढ़िया है, मतलब कि साउंड क्वालिटी आपको बढ़िया मिल जाएगी। अब इसको आउटडोर में लेके चलते हैं एंड देखते हैं कि यार आउटडोर में ऑडियो क्वालिटी कितनी बढ़िया हमें मिलती है, क्या आप इससे पार्टी कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ये चीज आपको बताते हैं डिटेल पे। तो दोस्तों यार हमने इसका आउटडोर पे भी आपको टेस्टिंग करवा दी है, आप लोग कमेंट करके बताएगा कि यार आप लोगों को आउटडोर में परफॉर्मेंस कैसा लगा है। जितना मैंने एक्सपीरियंस करा ना, मतलब दोस्तों ऐसी एक्सपेक्टेशन तो मत रखिएगा कि आप आउटडोर की पार्टी इससे एंजॉय कर सकते हैं। मतलब कि दोस्तों 100-500 लोग आपके घर पे आए हैं एंड आप इसे आउटडोर में बजाएंगे तो तगड़ा परफॉर्मेंस मिलेगा, वहां पर लाउडनेस की कमी हो जाएगी। हाँ इतना है कि छोटा मोटा जैसे 10-20 लोग हैं तो वहां पर ये काम अच्छा चला देगा, मतलब वहां पर आपको लाउडनेस में कोई भी कमी नहीं मिलेगी। बाकी स्पीकर ओवरऑल बेस्ट है, आप परचेस कर सकते हैं, स्पेशली डीप बेस लवर्स जो है उनके लिए तो ये पार्ट स्पीकर वन ऑफ द बेस्ट है अंडर 15K। एंड यार ये स्पीकर में ना एक एडवांटेज हमें और मिल जाता है, इस पर हमें इनबिल्ट बैटरी मिल जाती है एंड इस पर हमें 8000mAh की बैटरी मिलती है। 5 से 6 घंटा आप इस पर म्यूजिक को नॉनस्टॉप प्ले कर सकते हैं लाइट्स के साथ, जो कि काफी सही है। बाकी दोस्तों यार जैसा कि इस पर हमें इनबिल्ट बैटरी मिलती है तो क्या ये ट्रैकिंग पे ले जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है, ट्रैवलिंग पे ले जाने के लिए बेस्ट ऑप्शन है? सो इस चीज के लिए हम एक सेपरेट पे वीडियो देंगे आपको एंड देखेंगे कि यार ओवरऑल इस मॉडल को अगर हम अपने साथ कैरी करते हैं तो आसानी होती है या भारी होता है, क्योंकि 9 kg का स्पीकर है। सो ये चीज भी क्लियर करके आपको बताएंगे कि यार पोर्टेबिलिटी का कितना बढ़िया ध्यान FND ने रखा है। सो उस वीडियो के लिए भी स्टे ट्यून जरूर से रहिएगा। बाकी मेरे हिसाब से आज की वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे, नहीं हुए होंगे तो कमेंट जरूर से कर दीजिएगा। एंड एक चीज आपकी और क्लियर कर देता हूं, अगर आपको स्पीकर के फीचर्स के बारे में जानना होगा, डेमो देखना होगा तो अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको अनबॉक्सिंग वीडियो का लिंक मिल जाएगा। सो फ्रेंड्स ऐसा करता हूं यार ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो जरूर से वीडियो को लाइक कर दीजिए। दोस्तों अगर आप हमें फर्स्ट टाइम देख रहे होंगे सो यार चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।